हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती। आज आपके लिए लेकर आई हूं टिकोमा वाइन के ऊपर एक वीडियो, जिसको ट्रम्पेट वाइन भी बोलते हैं। इसमें ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, जिनको नारंगी कलर भी बोला जाता है, और ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हो इसमें फूल आए हुए हैं अभी भी, और ये बंचेस में फ्लावर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ है। मैंने इसको 2 साल पहले कटिंग लगाई थी इसकी, तो ऐसे ही मैं जा रही थी बाहर कहीं, तो वहाँ पर लगी हुई देखी, तो वहाँ पर इसकी जो वाइन जा रही थी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, और वहाँ पर कोई इनको पानी भी नहीं मिलता, कोई केयर नहीं, ऐसी खाली प्लॉट में ये लगी हुई थी। तो मैंने इसकी जो कटिंग है वहाँ से ली और अपने आउटडोर गार्डन में इस तरह से लगा दी थी। तो आप देख सकते हो अभी इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है। आप इसको छिपकली वाइन की तरह भी बोल सकते हो, क्योंकि इसकी जो वाइन होती है ये दीवार पे इस तरह से चिपकते हुए चढ़ती है। बट क्योंकि ये बाहर लगी हुई है आउटडोर, तो अंधेरी वगैरह चलती रहती है, उसके कारण इसके जो इस तरह से ब्रांचेस हैं वो गिर जाती हैं, फिर मुझे इनको इस तरह से संभालना पड़ता है। आप देख सकते हो इस तरह से ये चिपक चिपक के ऊपर को चली गई है। तो इसको मैंने यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं दी है, तो ये अपने आप चिपक के इस तरह से ऊपर चढ़ जाती है। तो यहाँ पर अभी इसका सीज़न चल रहा है, तो अभी इस पर फ्लावर्स भी आए हुए हैं। तो मैंने जब इसकी कटिंग लगाई थी तो ठीक 1 साल बाद इसमें फूल आए थे। तो अगर इसका जो प्रॉपर सीज़न की बात करें, ये जो अभी सीज़न चल रहा है मिक्स समर और जो बरसात का आपस में मिक्स हो जाता है सीज़न, वही इसका अच्छा सीज़न होता है। आप इसको वैसे तो कभी भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन ये सीज़न इसके लिए बेस्ट होता है। इस सीज़न में ये ढेरों फूल भी देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये घर के अंदर ऊपर दीवार पे चढ़ जाती है, और फिर अंधेरी वगैरह की वजह से ये नीचे को इस तरह से गिर जाती है। तो आप देख सकते हो इसके पत्तों में ही कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। अगर इसमें फूल ना भी आए तो भी ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो आप इसको जो है अपने मेन गेट या फिर आउटडोर गार्डन, या फिर अगर आपके पास घर के अंदर एक कोई छोटा सा गार्डन हो तो आप इसको लगा सकते हो। तो ये लगे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और बिल्कुल इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा प्लांट इसका ग्रो हुआ पड़ा है। तो कुछ टाइम पहले मैंने इसकी कटिंग जो है अपने ऊपर गार्डन में क्यारी में लगाई थी, तो अभी आप देख सकते हो जगह जगह से इसकी जो प्लांट्स हैं निकलते रहते हैं। मैं इनको निकालती रहती हूँ, लेकिन ये फिर भी निकलते रहते, क्योंकि ये प्लांट जो है काफ़ी हैवी ग्रोथ वाला होता है, और मुझे यहाँ पर इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको निकालती रहती हूँ। तो यहाँ पर एक 12 इंच के पॉट में मैंने इसकी 2-3 कटिंग लगाई थी। अब मिनिमम इसकी 2-3 कटिंग लगाएं, अगर आपसे नहीं ग्रो होता तो 100% ये आपकी एक ना एक मिनिमम कटिंग जो है ग्रो हो जाएगी उसमें से। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 कटिंग इसकी लगाई थी, और जो इसकी एक कटिंग है अच्छे से ग्रो हो गई है, क्योंकि अभी सीज़न भी इसका आ चुका है, तो अभी ये अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी रूट्स देख सकते हो, ये इसकी रूट्स हैं, बिल्कुल छिपकली के पैरों के जैसी दिखती हैं। आप यहाँ से इसकी कटिंग लें और लगा दें बस मिट्टी में, और ये अपने आप ग्रो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नोड एरियाज हैं, और यहाँ पर इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा बनी हुई हैं। कटिंग जितनी ज़्यादा मैच्योर होगी उसमें रूट्स भी उतनी ही ज़्यादा बनी होंगी। आप इसकी कोई भी कटिंग ले सकते हो। मैंने जब इसकी कटिंग ली थी तो बहुत ही पतली सी थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल छिपकली की तरह इसने यहाँ पर जो डोर है उसको पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन हल्की सी जैसे हवा चलती है तो प्लांट थोड़ा सा उसका वेट होता है तो वो हिलता है, तो वो निकल जाती है। इस वजह से ये चिपकी हुई नहीं रहती है। लेकिन अगर आप कहीं और देखो, जैसे मैंने यहाँ से कटिंग ली थी वहाँ पर ये इसकी जो मोटी मोटी ब्रांचेस हैं पूरी दीवार पे चिपकी हुई हैं, तो आप देख सकते हो ये इसकी ब्रांच इसकी जो रूट्स हैं बिल्कुल छिपकली के पैरों की जैसी हैं। एक साइड पे 3 और एक साइड पे 4 रूट्स बनी हुई हैं। आप इसको पानी में या फिर मिट्टी में ग्रो कर दो तो ये ईजीली ग्रो हो जाती हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।